अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैठक वेट महमूद आशमी एंड गुफ्तार अहमद। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने ये बेसिकली वीडियो पिछली वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के तौर पे बना रहे हैं, इसमें हमने स्कॉलरशिप के ऊपर बात की है। जी, कि तो कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं स्कॉलरशिप के? डिफरेंट वेज हैं, लेकिन उसमें हम ये समझते हैं, जैसे हमने बात की अभी, कि बेसिकली उसमें कुछ चीज़ें और बतानी बहुत ज़रूरी हैं, कि वो ऐसा ना हो कि वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये लगे कि बातें तो सारी कर दी हैं लेकिन हम इस पर अमल कैसे करें। बिल्कुल, यानी कोई सिस्टमेटिकली हमें तरीका तो पता चले ना कि ये तो इतना कुछ, ये तो लगता कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। हाँ जी, ये तो इतना कुछ बता दिया है कि पता नहीं ये कैसे होगा। अच्छा जी, तो उसके शुरू करें आप। डिफरेंट वेज हैं। जी जी। अब मसलन देखें ना, सबसे पहले अगर एक बात उनमें से कही गई थी फंडिंग एजेंसी की। जी जी बिल्कुल। कि आप हर कंट्री की अपनी साइंस की फंडिंग एजेंसी होगी या गवर्नमेंट की फंडिंग एजेंसी होगी, तो आपने क्या करना है, जिस कंट्री में आप इंटरेस्टेड हैं ना, उस कंट्री से की रिलेटेड फंडिंग एजेंसी की एक लिस्ट बना लें एक्सेल में। ठीक है, एक्सेल में एक लिस्ट बनाएं और ये भी साथ देख लें कि इनकी कॉल जो है पिछले साल कब आई थी। ठीक है, तो वो आपको फर्ज करें अक्टूबर में आई थी, तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस साल भी अक्टूबर में आई थी। जी बिल्कुल। तो अब आपने एक पैटर्न बना लिया, उसमें 10, 15, 20 जितनी भी हैं, जिन जिन कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं अपनी प्रेफरेंस के लिहाज से, उन फंडिंग एजेंसीज को आपने लिस्ट बनाई और साथ कॉल भी, उनकी कॉल फॉर स्कॉलरशिप भी आपने चेक कर ली। ठीक है, उसके बाद अब आप देखेंगे, ठीक है, अब आपके पास एक पैटर्न आ गया, तो वो जब जब वो टाइम आता जा रहा है आप उस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं। जी, यानी कि आपने हर पहले कंट्री से ऊपर लिखें, यानी आप फॉर एग्जांपल आप लिखें चाइना, बिल्कुल, तो चाइना की फंडिंग एजेंसी लिखें, बिल्कुल, उसकी जो डेडलाइन है वो लिखें, वो लिखें, और एक कॉलम ये भी बना लेंगे उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ, ये भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर एक कॉलम आपका ये भी होगा रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस तरह आप एक पूरी लिस्ट बना लें, जब आप अपने फॉर एग्जांपल दूसरे सेमेस्टर में या तीसरे सेमेस्टर में अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कर चुके हैं तब भी, जिस दिन बैठे हैं, तो पहला काम, पहले मेथड के लिए ये काम करें, ये काम आप एक्सेल के अंदर लिस्ट बना के हर कंट्री वाइज लिस्ट बनाए, उसकी कितनी फंडिंग एजेंसी है, उनकी ड्यू डेट क्या होती है, डेडलाइन क्या होती है अप्लाई करने की, और उसकी मिनिमम मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ताकि आप जब आप लिखेंगे ना, आपको पता होगा इसकी डेडलाइन आ रही है, इसकी ये रिक्वायरमेंट मैंने पूरी करनी है, पूरी करनी है, आप टाइमली जो है ना एक्शन ले रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। और दूसरा हमने ये बात की थी कि आप जो है ना अपनी फील्ड के प्रोफेसर्स ढूंढें, उसके लिए भी अगेन आपने, यानी इस सारे तरीकों के लिए आपने एक्सेल शीट से यूज़ करनी है। ठीक है, आपने एक्सेल शीट बनानी है अपनी फील्ड के, जैसे हमने कहा था कि 2 या 3 या 4 लोग होंगे हर कंट्री के अंदर ना, आप एक अपनी रिसर्च की, आप देखेंगे US के अंदर कहाँ कहाँ एग्जैक्टली, यानी बहुत सिमिलर जो काम है वो कौन कौन लोग ग्रुप्स कर रहे हैं, उन ग्रुप का, उसका ग्रुप का नाम, उसका वेब लिंक, और उसकी जो आपका यानी प्रोफेसर का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो, या जो प्रोफेसर की करना चाहते हैं, या कोई किसी आप जो ग्रुप लीड है, कोई पोस्ट डॉक है, उसके साथ आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, उसका ढूंढ के उसका कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पे लिख लें। तो इसी तरह आप एक पूरी लिस्ट बना लें हर कंट्री वाइज, तो ये एक डेटा, यानी अभी हम डेटा गैदरिंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है ये हमारा डेटा, ये डेटा बाकी जगहों पे भी काम आएगा, यानी सबका प्रोसीजर सेम ही है जो डेटा। जी जी बिल्कुल। तो अब अगला जो है हमारा ये है कि हमने बात की थी कि आप अपने जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, बिल्कुल, उसके बारे में से करें आप बात, तो उसका भी यही है कि आप अपने मल्टीपल जो भी प्रोफेसर हैं जिनसे आपने पढ़ा हुआ है या जिनसे नहीं पढ़ा हुआ, मसलन कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने आपको थीसिस कराया और बाकियों ने कोर्सेज पढ़ाए, तो आप मल्टीपल प्रोफेसर के पास जाएं और उनसे पूछें और उनके के देख लें कि इनका क्लोज वहाँ पर जानने वाला उस कंट्री में कौन है, और फिर उसकी स्टडी कर लें कि वो अभी उस फर्दर उस टॉपिक पे फर्दर किस चीज़ पे आगे काम कर रहे हैं, राइट, उसको भी देख लें, और आप उसके बाद अपने प्रोफेसर से भी देख लें कि आपको कहाँ पे किस तरह आपको सूट कर रहा है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, और इसके लिए भी जाहिर है आपको उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल, उसका ईमेल एड्रेस, उसकी वेब एड्रेस, उसके ग्रुप के एड्रेस और उसके कंट्री वाइज, तो ये मल्टीपल कॉलम के साथ आपको वहाँ पे इसका भी डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और चौथा जो तरीका हमने कहा था कि जो ओपन स्कॉलरशिप की डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे आप ये इस तरह का डेटा तो कलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ ये कर सकते हैं कि आप उन सारी वेबसाइट को ढूंढें, एक दिन बैठें, एक दिन या 2 दिन या 4 दिन लगाएं, बहुत सारी वेबसाइट जो है ना उनका सिर्फ वेबसाइट देखते हैं, जो भी स्कॉलरशिप वाली आपको मिलती हैं वो किसी भी कंट्री की हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं, फिर उस वेबसाइट के ऊपर जाएं, और वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आप ये है कि उन्होंने बाकायदा फिल्टर्स दिए हुए हैं, आप फिल्टर करें आपकी फील्ड क्या है, आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं और क्या किस तरह का आपका एरिया है, वो फिर वहाँ वो ये भी ऑप्शन मिलती है कि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं,
बिल्कुल इस पर्टिकुलर फील्ड में जब भी कोई स्कॉलरशिप आएगा तो मुझे ईमेल आ जाएगी, मेल आएगी, मेल आएगी। बिल्कुल, आपने ये करना है कि उन सारी वेबसाइट पे जाके सब्सक्राइब कर लेना है अपनी फील्ड में जाके। बिल्कुल ठीक है, इन्हें उस सब कैटेगरी में जाके उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, भाई जब भी कोई स्कॉलरशिप आए तो मुझे अलर्ट आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा ईमेल की फॉर्म, ईमेल की फॉर्म के अंदर। तो इसी तरह अभी आपके पास बाकी जो मेथड है उनमें भी लिस्ट आपके पास बन चुकी हैं। अब जैसे ही आपका टाइम आता है, यानी अगर आप चौथे सेमेस्टर में आ गए हैं, फाइनल सेमेस्टर में अपने मास्टर्स या एमफिल के, या आप ग्रेजुएट हो चुके हैं मास्टर्स में, अब उन लिस्ट के ऊपर आप अमल करना शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है, ईमेल्स करनी है या आपने जैसे भी वो करना है, या आपने उनकी जो डेडलाइंस को मीट करते हुए एप्लीकेशन सबमिट करनी है पहले मेथड में, तो अब आपके लिए आसानी है। आपके पास डेटा आपके पास पहले गैदर्ड है, आपने टिक करते ना, ये मैंने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, उनके फॉलो अप्स भी ऐसा ही है। ठीक है, तो होपफुली इंशाल्लाह ये भी कर सकते हैं कि आप मे बी मोबाइल पे या अपने सिस्टम पे कहीं भी आप लॉग इन है तो उसका एक फोल्डर बना के आप बुक मार्क करके वहाँ पे भी उन सबको रख दें। जी बिल्कुल, तो वो भी आपके लिए बाद में आसानी होगी कि ठीक है मुझे पता चल जाएगा मेरी वेबसाइट जो है वो इस फोल्डर के अंदर इस एरिया के लिहाज से पड़ी हुई, तो वहाँ भी ऑर्गेनाइज की जा सकती है। जी इंशाल्लाह आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आई होप के एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।